Which of the following parameters are the same for all hydrogen-like atoms and ions in their ground state? So, सभी ions जो hydrogen-like है, उनके लिए एक quantity इन चारों में से जो same रहेगी वो बतानी है. So, radius, speed, energy, orbital angular momentum. Radius कैसे depend करती है? Prince वाले Quanta number के square पर और जो atomic number है उसके inversely proportional होती है. तो अगर कोई और एटम लेंगे हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, कोई और एटम लेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर अलग होगा तो रेडियस अलग हो जाएगी. ऐसे ही वी जेड बाई एन पर डिपेंड करती है, तो जेड बदलेगा तो वी भी चेंज होगा. तो अलग अलग एटम के लिए अलग अलग स्पीड. एनर्जी किसके इक्वल होती है? -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. तो ये भी जेड पर डिपेंड कर रही है, तो ये भी अलग अलग एटम के लिए अलग अलग. लेकिन एंगुलर मोमेंटम जो होता है एम वी आर, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करेंगे, सो एनएच अपॉन 2 पाई के इक्वल. सो ये तो कांस्टेंट है, तो केवल एंगुलर मोमेंटम किस पर डिपेंड कर रहा है? एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इस चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा कि एटॉमिक नंबर कौन सा है, मतलब सभी एटम के लिए अगर एन सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, जैसे इसने कहा है ग्राउंड लेवल में. सो एंगुलर मोमेंटम एन इक्वल टू 1 के लिए कितना? एच अपॉन 2 पाई, चाहे कोई भी एटम हो. सो अपना आंसर कौन सा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये तीनों चीजें बदलेगी अलग अलग एटम के लिए अलग अलग, क्योंकि जेड पर डिपेंड करती है तीनों चीजें.